तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि गूगल टैग असिस्टेंट क्या है और गूगल टैग असिस्टेंट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या यूज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हेल्पफुल ये टूल है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 1000 के अराउंड वीडियोज हैं विद लेटेस्ट कॉन्टेंट, और आने वाले एक साल में हम 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि गूगल टैग असिस्टेंट जो टूल है इसके क्या फायदे हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे इसके अंदर आप चीजों को रिव्यू कर सकते हो। तो दोस्तों गूगल टैग असिस्टेंट एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि गूगल के द्वारा दिया गया है, और जब हम बात करते हैं गूगल टैग असिस्टेंट की तो इसको गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी भी बोला जाता है। ये एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन टूल है जो हेल्प करता है टू मेक श्योर कि गूगल टैग्स सच एज गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एडवर्ड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड मोर आर वर्किंग करेक्टली और नॉट। तो पता कैसे लगेगा जो इतने सारे आप टैग्स लगाते हो कि वो आपकी वेबसाइट में सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। Just to navigate any page and tag assistant will tell you all the tags that are on that page. तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को आप देख रहे होगे या चेक कर रहे हो तो आप टैग असिस्टेंट की मदद से वहां देख सकते हो कि आपके पेज पर टैग्स लगे हुए हैं या नहीं लगे और वो सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या अगर उनमें कोई एरर आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है तो वो आपको बताएगा और उसके ऊपर वो आपको इम्प्रूवमेंट या सजेशंस भी देगा। ठीक है, तो टैग असिस्टेंट लीगेसी जो क्रोम एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गूगल ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स ऑन एनी गिवन पेज, जो कि ये काम करता है किसके लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, एडवर्ड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए, एडवर्ड्स रीमार्केटिंग लीगेसी के लिए, एडवर्ड्स रीमार्केटिंग न्यू रीमार्केटिंग टैग के लिए और गूगल टैग मैनेजर के लिए। तो पहले मैं आपको एक बारी आगे जाने से पहले दिखाता हूँ गूगल टैग असिस्टेंट क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक क्रोम का ब्राउजर है और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी गूगल टैग असिस्टेंट लीगेसी, ये आप देख रहे हो मेरा एक्सटेंशन लगा हुआ है, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब अगर आपको करना है तो आप गूगल टैग असिस्टेंट टूल लिखो और यहाँ पर आप देखो chrome.google.com इस वाले को आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये आपको एक्सटेंशन दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे में रिमूव क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे में लगा हुआ है। अगर आपके में एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पर आपका आएगा इंस्टॉल का या गेट एक्सटेंशन, तो उसको आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, मान लो मेरी वेबसाइट marketingfundas.com है, ठीक है, अब मेरे ब्राउजर पे टैग असिस्टेंट लगा हुआ है, अब मेरे को चेक करना है तो मैं इस पे टूल पे क्लिक करूंगा एक्सटेंशन पे, और वेबसाइट के टैग्स चेक करने के लिए पहले आपको उस वेबसाइट के लिए इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनेबल क्लिक करूंगा, तो जब एनेबल क्लिक करूंगा तो उसके बाद मेरे को करना पड़ेगा उस पेज को अपनी वेबसाइट के रिफ्रेश। तो जब मैं उसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोबारा से मैं अपने टूल पे क्लिक करूंगा और देखो ये दिखा रहा है कि 7 टोटल टैग्स लगे हुए हैं मेरी वेबसाइट में गूगल के। अब जिसमें से गूगल साइट टैग लगा हुआ है, गूगल साइट टैग, ठीक है, दो मेरे में लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर आप देखते हो रीमार्केटिंग मेरे में टैग लगा हुआ है, गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ है, तो गूगल टैग मैनेजर, तो मल्टीपल टैग्स लगे हुए हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। अगर आपके में एक टैग लगा होगा तो वो एक दिखाएगा, आपके में 10 टैग लगे होंगे 10 दिखाएगा। तो जितने भी आपके गूगल के टैग्स लगे होंगे अलग अलग, ठीक है, आपके वर्क के हिसाब से वो सारे टैग्स दिखाएगा ये आपको। और इसको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये इसको वेयर टू ऑप्टिमाइज, ये आपको सजेशंस देगा कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस वहाँ पर जाके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगले पॉइंट पे कि
कैसे टैग असिस्टेंट काम करता है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग द एक्सटेंशन यू विल सी एन आइकॉन इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द टैग ऑन द पेज यू आर व्यूइंग। तो वो वहां पर एक आइकॉन दिखाता है इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द टैग ऑन द पेज व्यूइंग। अब अगर वो ग्रे आइकन दिखाएगा विद एन एक्स इंडिकेट्स, देन इसका मतलब है कि कोई कोड नहीं लगा आपके पेज के ऊपर, तो वो ग्रे आइकन दिखाएगा और एक्स का ऐसे सिंबल दिखाएगा। अगर वो ग्रीन इंडिकेटर दिखा रहा है तो इसका मतलब कि वो वैलिड टैग वहां पर मिला है, ठीक है। तो द नंबर इन द आइकन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टैग्स दैट आर फाउंड। जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाया, नंबर ऑफ टैग्स जो मिले वो नंबर दिखा रहा है, और ग्रीन टैग है मतलब वैलिड टैग लगे हुए मेरे, ठीक है, एकदम सही। अब यहाँ पर अ ब्लू इंडिकेटर विल शो देयर आर सजेशंस ऑन इंप्रूविंग ऑल ओवर टैगिंग हेल्थ। तो जो ब्लू वाले दिखा रहा है ना, ठीक है, और उसके ऊपर देखो सजेशंस भी दे रहा है, तो इसका मतलब है वहां कुछ सजेशंस है कि इसको आप ओवरऑल थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। अब येलो इंडिकेटर मेरे में नहीं दिखा रहा, बट अगर आपके में येलो इंडिकेटर दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ वहां पर माइनर इम्प्लीमेंटेशंस की जरूरत है, कुछ माइनर इश्यूज हैं वहां पर, और वो आपको सजेशंस भी देगा, तो आपको उनके ऊपर काम करना है। और रेड इंडिकेटर का मतलब दोस्तों खतरा, कि वहां पर आपका या तो बिल्कुल भी टैग सही से इम्प्लीमेंट नहीं है और काफी ज्यादा इश्यूज हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिससे कि वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, तो वो आपको रेड इंडिकेटर दिखाएगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हो जो मैंने आपको बोला, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया, रेड है तो एरर भी दिखा रहा है। तो दोस्तों जब आप उस आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो टैग डिटेल्स शो करता है। इट शोज हाउ मेनी टैग्स वर फाउंड, हाउ मेनी एरर्स वर फाउंड, एनी एरर एंड अ लिंक टू द मोस्ट रेलिवेंट हेल्प डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और इन एडिशन टैग असिस्टेंट मेक सजेशंस व्हेन इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। फॉर एग्जांपल इफ एन आउटडेटेड एनालिटिक टैग हैज बीन इंस्टॉल्ड, टैग असिस्टेंट आपको सजेस्ट करेगा कि आप उसको अपडेट करो या नया टैग लगाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं टैग असिस्टेंट टूल के फायदे और इसका यूज आपको पता लग गया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई नए कोर्स के लिए आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, so that you will get all the updates. Thank you for watching Marketing Fundas.